सरपंच साहब की सरपंची क्या गई, उन्हें एक बार फिर से गांव की याद आ गई। गांव के लोग अवैध खनन से परेशान हैं तो प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आज एक बार तकरीबन एक साल से अधिक समय बीत गया है कि पंचायत भंग हो चुकी है। 5 साल से अधिक हो गया खनन चलते हुए, लेकिन अब ऐसा क्या मामला आ गया कि पिछले 10 दिनों में सरपंच साहब को गांव वालों की समस्याएं दिखाई देने लगी। आज सरपंच साहब को ये दिखा कि ग्रामीणों के मकान में दरारें आ गई। पूरा मामला नांगल चौधरी क्षेत्र के गांव दोस्तपुर का है, जहां आज अवैध खनन के चलते ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और ग्रामीण खनन क्षेत्र पर ही जमा हो गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ब्लास्टिंग के कारण हमारे मकानों में दरार आ गई, हमारा अत्यधिक नुकसान हो रहा है, सारे दिन धूल के गुब्बार उठते हैं तथा सांस लेने में भी दिक्कत आती है। वहीं अत्यधिक ब्लास्टिंग के कारण मकानों की तरफ पत्थर भी आते हैं, जिसकी वजह से मकानों के हालात भी बद से बदतर बने हुए हैं। महिलाओं का कहना है कि यह खनन बंद होना चाहिए। वहीं अब जब पंचायत भंग हो गई तो निवर्तमान सरपंच भी ग्रामीणों के साथ खड़े दिखाई दिए। वहीं मौके पर पहुंचे खनन विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार को भी काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहां खनन हो रहा वहां कुछ क्षेत्र राजस्थान का लगता है तो कुछ हरियाणा का। खनन कंपनी मालिक को मौके पर बुलाकर इंस्पेक्टर द्वारा जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि इसका समाधान 10 दिनों में किया जाएगा। इस दौरान अगर अवैध खनन किया गया तो मशीनें जब्त कर ली जाएंगी। यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर आज सरपंच साहब को ग्रामीणों की याद कैसे आई, जबकि सरपंच साहब तो पिछले 5 सालों से इस खनन को देख रहे थे, तो आज उन्हें ये खनन अवैध खनन कैसे लगा? सबसे बड़ा सवाल है, जब गांव के मुखिया थे तो चुप रहे, आज नहीं है तो उन्हें ये खनन अवैध खनन नज़र आ रहा है। बहरहाल जो भी आगे आने वाले 10 दिनों में देखने को मिलेगा कि खनन विभाग हरियाणा, खनन विभाग राजस्थान व रेवेन्यू विभाग हरियाणा और राजस्थान क्या कार्रवाई करते हैं, या यूं ही ग्रामीणों के मकानों में दरारें आती रहेंगी और उनके खून पसीने की कमाई यूं ही मिट्टी में मिलती रहेगी। कलम की ताकत के लिए नांगल चौधरी से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। गांव का निवर्तमान सरपंच और जो ये राजस्थान में ये हमारे लिए चली हुई हैं राजस्थान की, जो हरियाणा से पत्थर निकालते हैं और हरियाणा में ही काम कर रहे हैं और सारी नदी को खुर्द फुर्द कर दिया, सारी मिट्टी डाल दिए और इनके पास ब्लास्टिंग का कोई ना लाइसेंस है ना ही कोई लेना है ना देना है। ये ब्लास्टिंग करते इतनी हैवी करते जो सब गांव के मकानों में दरार आ रही है, वो सब मकान टूटे फूटे हुए हुए हैं। और अधिकारियों को बता दिया, अधिकारियों को सबको बता दिया, CM इंडो में डाल दी, अपने SHO को भी कई बता दिया, अपने माइनिंग अफसर को बताया है और तहसीलदार साहब को बताया, बाकायदा एप्लीकेशन भी दी है और जाके बता के भी आया हूँ। क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी? कह रहे देखेंगे, मौके पर चेक करेंगे। अभी मौके पर अधिकारी आए हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने? अब तो आपके से चल रहे थे एक दो साल से, दो तीन, अरे वैसे तो लेकिन कोई सुनाई नहीं, लेकिन 5-4 दिन से फिर लग रहे हैं दोबारा से, क्योंकि मिट्टी डाल दी सारी नदी को, बहाव को उस पानी को रोक दिया इन्होंने। क्या बात है, मकान हम तैर चल रही से ब्लास्टिंग चल है। आपने कितने रोज करते हैं? रोज को काम से हम तो खूब जहाँ कोई सुनाई कौन करे, खेतों में पड़े चलो देखो, उच्चे सुते रहते रे बैठ अदर उठ जाता है और सारी छात पट गया है हमारे ऊपर, तो छात पट जाए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, कल ना मर जाएंगे जब क्या करेंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे जब हम क्या करेंगे। नीरो बाठो आओ सब मकान नाम जा रहे हो, सारा मकान नाम तरेड़ से एक एक की फोटो भेज दिया, एक एक आदमी की फोटो भेज दिया और खूब कह चुका, कोई बिल्कुल नहीं माननी, इतनी बारूद भरें से ठेठ गांव में पूरा मुराग बैठा जाए, सब बाल का सिर पे भी लाग जाए, चोट भी आ जाए तो कोई दिक्कत हुआ, इतनी परेशानी बढ़ा रहा किसा, और ये खान बंद नहीं हो रही, बंद करनी जरूरी सी मारा तो बाल का नबी अड़े कपड़ गो सारो गाँव में खतरों से पूरा रास्तों भी कट गो। सरपंच साहब यहाँ पे मौजूद है और ग्रामीण मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि 1 साल पहले इन्होंने पैमाइश करवाई थी यहाँ पे, बुर्जी गढ़वाई थी जो कि इसमाइस वाले ने तोड़वा दी थी, तो अब ये है कि अब हरियाणा और राजस्थान की सीमा का इश्यू है इसमें, ना हरियाणा वालों को ज्ञात है कि कहाँ तक है और ना राजस्थान वालों को ज्ञात है, तो इसमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि राजस्थान वाले अपना पटवारी लेके आएँ, हरियाणा वाले अपना पटवारी लेके आएँ, इसके लिए इनको टाइम दे दिया गया, राजस्थान की जो माइंस है इनको वो अपने पटवारी अवेलेबल करवा के हमें इंटीमेट कर देंगे 10 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर दोनों पटवारी साथ मिलकर पैमाइश कर देंगे कि हरियाणा की सीमा कहाँ तक आ रही है, राजस्थान कहाँ तक आ रही है। ये हरियाणा के अंदर जिस हिसाब से सरपंच साहब कह रहे हैं कि इन्होंने लास्ट टाइम पैमाइश करवाई थी, तो हरियाणा का जो जहाँ तक सीमा है वहाँ पर ये काम नहीं करेंगे, अगर ये करते हैं तो सरपंच साहब जैसे इंटीमेट करेंगे, हम एक्शन ले लेंगे इसके ऊपर। सर आपका नाम और आपका पद? दीपक कुमार, माइनिंग इंस्पेक्टर।